हेलो महादेव फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिवांगी माय ब्लेसिंग। और मैं आज आपको ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू देने वाली हूँ जो आई थिंक आने वाले यू नो लाइक मॉनसून के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यू नो लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस। और स्पेशली अब मॉनसून आ रहा है और आपको पता ही है मॉनसून आता ही हमारे घर के चारों तरफ मच्छरों का एकदम यू नो जमावड़ा हो जाता है और बहुत सारे चांसेस होते हैं डेंगू मलेरिया फैलने के। तो और स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे हैं और यू नो लाइक वो जो है मच्छर काट देते तो बहुत इरिटेशन होती है, वो सो भी नहीं पाते हैं ठीक से, बोल भी नहीं पाते हैं, ईचिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यू नो लाइक आप हर टाइम उनके साथ नहीं मौजूद रह सकते हो और स्पेशली रात के टाइम पे वो अच्छे से सो पाएँ और अच्छे से नींद ले पाएँ बिना किसी मच्छर के टेंशन से, और पेरेंट्स भी यू नो शांति से सो पाए कि उनको ये ना लगे कि मेरे बच्चे को मच्छर काट रहा हो। तो इन सब से टेंशन से छुटकारा देने के लिए आपको मैं आज ऐसा प्रोडक्ट का रिव्यू दूंगी जो मैं खुद यूज़ कर रही हूँ बहुत टाइम से, मॉस्किटो नेट का रिव्यू जो कि है अंडर 500 आप 499 का मैंने लिया था फ्रॉम अमेज़ॉन। और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और यू नो लाइक अगर आप भी अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट जरूर लेके आइए। कई बार क्या होता है हम मॉस्किटो नेट तो ले आते हैं बट क्या होता है डबल बेड के लिए वो यू नो कहीं से निकल रहा होता है, उसकी लेंथ छोटी पड़ जाती है या ये कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो जो मैंने नेक्स्ट मॉस्किटो नेट लिया था उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया, उसकी लेंथ भी अच्छी है। मतलब कुछ चीज़ें चाहिए होंगी उनको अच्छे से अरेंज करने के लिए और कैसे आप उसको पूरे बेड में अच्छे से लगा सकते हो। तो ये फ्रेंड जब मैंने खोली थी तो ये कुछ इस तरह से आई थी और इसके जो कॉर्नर्स थे उसमें यू नो बहुत सारी फ्रिल लगी हुई थी तो वो जो है बहुत ही अनटाइडी लग रहा था। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो है आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से इसमें फ्रिल निकली हुई हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि अपने आसपास किसी लोकल टेलर को देख के यहाँ पे स्टिचिंग करवा सकते हो, उससे ये थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगी और लंबे टाइम तक चलेगी। तो आप देख सकते हो इस तरह से मेरा बेडरूम है और ये पूरा कवर्ड मैंने किया हुआ है नेट से और स्टिचिंग के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है, काफ़ी नीट एंड क्लीन और स्ट्रांग होगी और काफ़ी लंबे टाइम तक ये नेट फिर चलेगी। तो मैंने चारों कॉर्नर को अच्छे से मतलब कैसे लगाया हुआ है ये मैं आपको अब दिखाऊँगी। तो इसमें जो सबसे ईजी तरीका जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है नील कील से। और आप यहाँ पे देखिए मैंने कील ऐसे लगा रखी है इसके ऊपर। और अगर आप वॉल को ख़राब नहीं करना चाहते हैं तो उसका दूसरा तरीका भी है और वो होता है ये जो क्लिप ऑन हुक्स आपको मिलते हैं मार्केट में या ऑनलाइन भी आप ले सकते हो, बट आप हमेशा इस बात को याद रखना कि आप ये अच्छी क्वालिटी का लें ताकि ये बार बार निकले नहीं, जो आप नॉर्मल क्वालिटी के होते हैं बार बार निकल जाते हो और आपको बहुत परेशानी हो सकती है। तो अच्छी क्वालिटी का ले जो बार बार ना निकले, जिसका ग्लू बहुत स्ट्रांग हो, तो उससे क्या होता है कि आपको वॉल ख़राब नहीं करनी पड़ती है, उसमें होल नहीं करना पड़ता है और ये इजली ये इससे काम हमारा चल जाता है। तो ये जो लोकल क्वालिटी वाले थे तो इसलिए मैंने कील ठोकना ज़्यादा अच्छा समझा क्योंकि उससे फिर लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाती है। और अगर आपको क्लिप ऑन लेनी है तो मिनीसो के लीजिए, ये आप देख सकते हो मैंने एक साल पहले अपने उस यू नो अलमेरा में लगाया था, बहुत ही स्ट्रांग ग्लू है इसका। तो मिनीसो के तो बहुत ही अच्छे होते हैं, उनका ग्लू बहुत स्ट्रांग होता है। ये मेरे एक्चुअली ख़त्म हो गए थे इस वजह से मुझे ये कील यहाँ पर ठोकनी पड़ी। तो फ्रेंड्स क्या होता है तीन कॉर्नर तो हमारे यू नो ईज़िली लग जाते हैं बट इस तरफ से जो ये तीसरा है यहाँ पे मेरा विंडो था तो विंडो की मैंने जो चटकनी होती है उसमें इसको हैंग किया हुआ है और यहाँ पे हुक भी मैंने एक लगाया हुआ है इन केस यू नो मुझे थोड़ा और ज़रूरत पड़ी तो मैं उस हुक में भी उसे टांग सकती हूँ। तो जो तीन कॉर्नर होते हैं वो तो ईज़िली लग जाते हैं बट जो बेड का साइड वाला कॉर्नर होता है उसमें जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसके यू नो अगल बगल कोई दीवार होती है नहीं तो उसमें सपोर्ट करने में और नेट को प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसका एक तरीका मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आप यहाँ पे एक रॉड देख रहे हो तो फॉर्चुनेटली मेरे घर के बगल में वेल्डिंग का शॉप है तो वहाँ से जाके क्या है हम ये रॉड लेके आए और ये स्टील की रॉड है, प्लेन रॉड है। तो इसमें आपको क्या करना है कि तीन होल करवा के लाने हैं, ड्रिल करवा के लाना है इसमें होल, और ताकि क्या होता है आपको फिर आपका जो लकड़ी का बेड है उसमें यू नो लाइक
होल रहेगा तो आप इजीली उसमें कील ठोक सकते हो और इसको एक तरह से स्टैंड यहाँ पे बना सकते हो। तो इसमें ये तो चार होल किए हुए हैं, तीन और चार होल किए हुए हैं। तो इसमें मैंने घर में आके जो है कील ठोक दी थी, तो ये अच्छे से इसको सपोर्ट सिस्टम मिल गया। और जो चौथा वाला जो नेट का जो सिरा था वो मैंने इस पर बांध दिया है। तो आपके घर में भी अगर कोई भी स्टील का रॉड है तो आप लगा सकते हो, वरना आप वुडन भी लगा सकते हो। पर वुडन में क्या होता है कि यू नो हाथ छिलने का डर रहता है बच्चों का, और ये काफ़ी प्लेन रहता है तो ये स्मूथ रहता है। तो ये आइडिया काफ़ी अच्छा है, और यू नो तो ईजी हो जाता है, आपका चारों कॉर्नर अटैच हो जाते हैं तो ईजिली आपका जो है नेट वो लग जाता है। रॉड से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम मिलता है। तो ये इस तरह से बेड लगा हुआ है और ये टेंट हाउस की तरह लगता है। तो यू नो लाइक बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करते हैं, मेरी बेटी को ये एक प्ले हाउस लगता है, टेंट हाउस, तो बोलती है मुझे टेंट हाउस में जाना है। और उससे ये होता है कि फिर आप आराम से एज अ पेरेंट्स आप समझ सकते हो कि यू नो लाइक आप ईजिली आराम से चैन की नींद सो सकते हो बिना किसी डर के कि आपके बच्चे को मच्छर काटेगा। और वैसे भी मॉनसून आने वाला है तो आई थिंक ये सबके घर में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने यू नो लाइक लव्ड वन को प्रोटेक्ट कर सको फ्रॉम डेंगू, मलेरिया और मॉस्किटो बाइट से। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मॉस्किटो नेट लेके आइए और अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट कीजिए फ्रॉम मॉस्किटोज। एंड इसी तरह से घर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए बने रहे मेरे चैनल पे, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।